जी ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था उसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेने आए। सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर, सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर ब्लेम लगवाया था और उसी के चलते उनकी डेथ भी हो गई। सुना आपने किस तरह ये महिला गंभीर आरोप लगा रही है, और ये आरोप भी किसी आम इंसान पर नहीं बल्कि अमेठी के जगदीशपुर विधायक और बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी पर लगाया है, जिसके बाद से सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। जी ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था उसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेने आए। सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर, सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर ब्लेम लगवाया था और उसी के चलते उनकी डेथ भी हो गई। दरअसल ये मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर में मौजूद ग्राम दक्षिणपुरवा का है, जहां रहने वाले इस परिवार की माने तो कुछ वक्त पहले इनके इलाके में खड़ंजा बिछाया जा रहा था। खड़ंजे के रास्ते में ही गांव में रहने वाले पंडित राम अवध तिवारी का बाग पड़ गया। पंडित राम अवध तिवारी ने बाग का हवाला देते हुए खड़ंजे का रुख मोड़ने की बात कही, लेकिन ठेकेदार नहीं माना। आरोप है कि वो खड़ंजा राज्य मंत्री के आदेश पर बिछाया जा रहा था, लिहाजा काम रुकते ही मामला बिगड़ गया। परिवार के मुताबिक खड़ंजे का काम रुकते ही राज्य मंत्री सुरेश पासी के इशारे पर पंडित राम अवध तिवारी पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुकदमा दर्ज होते ही राम अवध तिवारी को इस कदर सदमा लगा कि उनकी मौत हो गई। जी ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था उसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेने आए। सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर, सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर ब्लेम लगवाया था और उसी के चलते उनकी डेथ भी हो गई। पंडित राम अवध तिवारी की मौत से गांव के लोग खासा नाराज हैं। गांव वालों का साफ कहना है कि जो कुछ भी पंडित राम अवध तिवारी के साथ हुआ वो सरासर गलत है। स्वर्गीय पंडित राम अवध तिवारी जी यहाँ के माने जाने शख्सियत थे, बेहद सम्मानित थे, सरपंच दादा के नाम से लोग उनको जानते हैं। उनके साथ अभी परिवार से मिला, उनका आशीर्वाद लेने आया था माता जी का, उनको ढांढस बंधाने आया था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो मुहिम चल रही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके सहयोग में खड़े हो रहे हैं। मामला ये मालूम चला कि माननीय मंत्री जी एक खड़ंजे का निर्माण करना चाह रहे थे कहीं अपने विशेष रिश्तेदारों के लिए, वहाँ तक पहुँचने का वो रास्ता बना रहे थे, लेकिन बीच में सरपंच दादा का बाग आ रहा था। सरपंच दादा ने मना किया कि हमारी खेतौनी की ज़मीन है, हमारे खाते की ज़मीन है, तो उस पर उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह से निंदनीय कृत किया कि उनके चरित्र का हनन करते उनके ऊपर 376 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया और फलस्वरूप एक सम्मानित आदमी, पीढ़ियों की कमाई से सम्मान मिलता है उसको, सम्मानित आदमी को जब ठेस पहुँचती तो कहाँ तक क्या हो सकता है। उसी फलस्वरूप दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय पंडित जी की डेथ हो गई। तो इसमें तो मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि एक सीधे सीधे एक ब्रह्महत्या का आरोप मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर करना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्रह्महत्या किया है। पंडित राम अवध तिवारी का परिवार राज्य मंत्री सुरेश पासी पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसे सियासी साजिश मान रहे हैं। इस मामले के पीछे क्या सच्चाई है ये तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।